दिनांक समझ नहीं 13 पा रहे हैं। एक 2019 तो कर देते खरगोन, एक हम निजी संस्था जो स्वयं के खर्च से रुबेला खसरा बीमारी के लिए जला रही हैं, जो पीएसजीएम एकेडमी संस्था लोगों को कर रही हैं जागरूक। भगवानपुरा के पीएसजीएम विद्यालय की सराहनीय पहल संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। खरगोन जिले में एक ऐसी निजी संस्था है जो रुबेला खसरा जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति लोगों में जन जागृत इलाने का काम कर रही है और वह भी स्वयं के खर्च पर। इसे संस्था की सराहनीय पहल कहा जाएगा। सरकार रुबेला खसरा जैसी घातक बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों में जन जागृत इलाने का काम कर रही है। वही जिले में भगवानपुरा की एकमात्र पीएसजीएम एकेडमी संस्था जो स्वयं के खर्च पर रुबेला खसरा टीकाकरण के लिए लोगों में जन की ज्योति जलाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भगवानपुरा की इस निजी संस्था में टीकाकरण जागरूकता को लेकर रविवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान घातक बीमारी रुबेला खसरा की विस्तृत जानकारी भी दी गई और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिला खरगोन से ब्यूरो चीफ प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। बच्चों में ज्यादा होती है, बड़े लोगों में बहुत कम होती है। इसीलिए ये अभियान हम लोगों ने, या भारत शासन या मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 9 माह से शुरू किया गया है। ये अभियान सभी स्कूलों, सरकारी प्राइवेट मदरसा या जहां शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, जहां शिक्षा दिया है, इसमें जो मैंने आपको लक्षण बताए, ये लक्षण हो सकते हैं और इस प्रकार की बीमारियां होती है और ये बच्चों को आने वाले समय में किस प्रकार की समस्या अपने बच्चों को, जैसे हमने पल्स पोलियो अभियान चलाया, पोलियो से भारत को मुक्त करवाया, वैसे ही ये एक अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा छूटने न पाए, कोई भी बच्चा वंचित न रहने पाए, ये टीकाकरण उनको अवश्य कराए। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने हम लोगों को दिनांक 8 तारीख को खरगोन बुलाया, समस्त लोगों को प्रशिक्षण दिया और बधाई भी दी। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में केवल पीएसजीएम एकेडमी ओनली एक ऐसा स्कूल है। कलेक्टर महोदय के सामने उस दिन था कि जिन्होंने अपने स्वयं के खर्च से रुबेला में भाग लिया, इस वैक्सीन में स्वयं फ्लेक्स बनवाए और जन जागृति के लिए जगह जगह सैकड़ों कार्यक्रम करवाए। ये 25 से 30वां कार्यक्रम पीएसजीएम माध्यम से आपके नगर में संचालित हो रहा है। माननीय महोदय जी ने उस दिन हजारों लोगों के बीच में इस स्कूल के लिए खड़े होकर तालियां लोगों से बजाई और स्वयं बजवाया और कहा इस तरीके से यदि हर व्यक्ति जागृत हो तो हमारे देश से ये बीमारी वो जाते जाते देर नहीं लगेगी। जिस प्रकार हम जब चिकन पॉक्स से 7 वर्ष में बाहर आ गए, पल्स पोलियो से 21 वर्ष में बाहर आ गए, लेकिन इस वैक्सीन में ओनली 4 से 5 वर्ष लगेंगे और अपने देश से इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। ये अपने पूरे दुनिया का 92वां देश है, 91 देश 91 कंट्री।